नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टीचर्स रिक्रूटमेंट 2020, कुल पद 3252। दोस्तों, अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। कुल वैकेंसी 3252, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पद हैं और किस सब्जेक्ट के कितने पद खाली हैं, वार्डर के कितने हैं, कुक के कितने हैं, तो काफी सारी इसमें वैकेंसियां शामिल हैं। बिल्कुल हम विस्तार से बात करेंगे। ये तो आपको पता ही होगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो रिक्रूटमेंट की जाती है टीचर्स की, तो वो समग्र शिक्षा अभियान या आप कह सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान SSA के द्वारा की जाती है। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल विस्तार से पूरी न्यूज को देख लेते हैं। ये देखिए पूरी न्यूज। सूबे में 3252 रिक्तियों पर होगी बहाली, वार्डन शिक्षक समेत कई पद वर्षों से रिक्त, तो एक अच्छी अपडेट आ गई है दोस्तों। बड़ा ही जल्द हमें 3252 पदों पे एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। पूरी न्यूज देखिए। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में 2432 पदों पर आधी आबादी को नौकरी का मौका मिला है। जिले समेत सूबे के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 3252 रिक्तियों पर बहाली होगी। जिले में संचालित सभी 16 केंद्रीय बालिका विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की कमी है। राज्य स्तरीय समीक्षा में शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चियों की पढ़ाई से लेकर हॉस्टल प्रबंधन में आ रही अव्यवस्था का खुलासा हुआ है। शिक्षा मंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द शिक्षकों की कमी दूर करने का आदेश दिया है। तो एक अच्छी अपडेट आ गई है दोस्तों, आदेश हो गया, तो अब हमें बड़ा ही जल्द ये रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने DEO और DPO समग्र शिक्षा अभियान को इस संबंध में निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर समेत सभी जिला से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पद स्थापित शिक्षक कर्मी और रिक्तियों की रिपोर्ट मांगी गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार सूबे में 3252 पद रिक्त हैं, जिसमें वार्डन, विभिन्न विषयों की शिक्षिका के साथ ही लेखपाल, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोईया और सहायक रसोईया के पद रिक्त हैं। लेखपाल, आदेशपाल और रात्रि प्रहरी को छोड़ बाकी सभी पदों पर महिलाओं की बहाली होनी है। तो ये देखिए दोस्तों, 2432 पद महिलाओं के खाली हैं, कुल 3252 पद हैं। किसके कितने पद हैं यहाँ दे दिए गए हैं। वार्डन के 218, भाषा शिक्षिका के 235, गणित एवं विज्ञान शिक्षिका के 366, सामाजिक विज्ञान के 265, लेखपाल के 213, आदेशपाल के 264, रात्रि प्रहरी के 343, रसोईया के 388 और सह रसोईया के 960 पद खाली हैं। एक महीने के भीतर बहाली प्रक्रिया को पूरा कर लेने का आदेश। ये देखिए दोस्तों, बड़ी अपडेट है। एक महीने वैसे पॉसिबल तो नहीं होता है, अगर हो जाती है तो इससे अच्छी कोई भी बात नहीं होगी। कहाँ कितनी रिक्तियां हैं ये देखिए। मधुबनी, सारण, गया में सबसे अधिक रिक्तियां हैं। इन तीन जिलों में सबसे ज्यादा रिक्तियां हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सबसे अधिक रिक्ति मधुबनी, सारण, गया में है। मधुबनी में 226 पदों पर बहाली होगी, वहीं सारण में 216 और गया में 215 रिक्तियां हैं। शिक्षिका में विज्ञान और गणित के पद सबसे अधिक रिक्त हैं। 2432 पद पर सिर्फ महिलाएं बहाल होंगी। इनमें विभिन्न विषयों की शिक्षिका के 1084 पद हैं। अब किस जिले में कितनी है, बाकी की डिटेल्स और दी गई है, इन जिलों में इतनी रिक्तियां, तो बिल्कुल विस्तार से देख लेते हैं इनको भी। मुजफ्फरपुर में कुल 52 पद, वार्डन के 6, भाषा शिक्षिका 3, विज्ञान शिक्षिका 7, सामाजिक विज्ञान शिक्षिका 7, लेखपाल के 4, आदेशपाल का 1, रात्रि प्रहरी का कोई पद खाली नहीं है, रसोईया 5 और सह रसोईया के 19। शिवहर में कुल 40 पद हैं, वार्डन 2, भाषा शिक्षिका 3, विज्ञान गणित शिक्षिका 3, सामाजिक विज्ञान 2, लेखपाल 5, आदेशपाल 5, रात्रि प्रहरी 5, रसोईया 5, सह रसोईया 10। पश्चिम चंपारण में कुल 110 पद, वार्डन 10, भाषा शिक्षिका 10, विज्ञान गणित शिक्षिका 15, सामाजिक विज्ञान शिक्षिका 11, लेखपाल 10, आदेशपाल 15, रात्रि प्रहरी 12, रसोईया 6, सह रसोईया 21। दरभंगा में कुल 78 पद खाली हैं, वार्डन के 0, भाषा शिक्षिका 3, विज्ञान गणित शिक्षिका 75, सामाजिक विज्ञान शिक्षिका 1, लेखपाल 1, आदेशपाल 11, रात्रि प्रहरी 17, रसोईया 33। इसके बाद सीतामढ़ी में कुल 114 पद रिक्त हैं, वार्डन के 3, भाषा शिक्षिका 4, विज्ञान गणित शिक्षिका 11, सामाजिक विज्ञान शिक्षिका 7, लेखपाल 3, आदेशपाल 1, रात्रि प्रहरी 16, रसोईया 18, सह रसोईया के 51। वैशाली में कुल 56 पदों पर
वार्डन 6, भाषा शिक्षिका 3, विज्ञान गणित शिक्षिका 6, सामाजिक विज्ञान शिक्षिका 4, लेखपाल 4, आदेशपाल 1, रात्रि प्रहरी 6, रसोईया 7, सह रसोईया 19। पूर्वी चंपारण में 128 पद, वार्डन 8, भाषा शिक्षिका 4, विज्ञान गणित शिक्षिका 18, सामाजिक विज्ञान शिक्षिका 9, लेखपाल 37, आदेशपाल 14, रात्रि प्रहरी 15 और रसोईया के 50। और मधुबनी में कुल 226 पद रिक्त हैं, वार्डन की 18, भाषा शिक्षिका 10, विज्ञान गणित शिक्षिका 18, सामाजिक विज्ञान शिक्षिका 23, लेखपाल 13, आदेशपाल 26, रात्रि प्रहरी 30, रसोईया 26, सह रसोईया 64। तो दोस्तों एक ये बड़ी अपडेट आ गई है, निकल के बड़ा ही जल्द हमें इन पदों पर भर्ती देखने को मिलेंगी। अगर आप शिक्षकों की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं या वार्डर की या फिर लेखपाल की, तो आपके लिए ये अच्छी न्यूज है। बिल्कुल विस्तार से आपको बताई गई है वीडियो के माध्यम से। बाकी इससे जुड़ी हुई कोई भी किसी भी प्रकार की और भी अपडेट आएगी हमारे पास, वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उसके लिए कर लीजिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो लगा है अच्छा तो इसे कीजिए लाइक और शेयर। तो ठीक है दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।